Okay, now I'm going live from the outside the UBL branch, boating basin branch. और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों लाइव जा रहा हूँ, एक इसका मकसद है. दो हफ्ते पहले वी गॉट अ नोटिस, ऑब्वियसली वो बायोमेट्रिक होना है. बायोमेट्रिक किया. मेरा UBL में 18 साल की उम्र से अकाउंट है. मैं 60 साल का हूँ. इश्यूज कभी हुए नहीं थे, लेकिन अब चक्कर ये हुआ कि दो हफ्ते पहले जब हमने उनको जनाब बायोमेट्रिक करा लिया, अब ये सरकार कह रही है UBL की ATM जो है वो नहीं चल रहा, पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते. अभी मैं बैंक में गया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यस है, ओके है, बायोमेट्रिक है. लेकिन बकौल UBL के बोटिंग बेसिन ब्रांच के अफसरों के वहां रश लगा हुआ है, ठट लगा हुआ है कि स्टेट बैंक ने एम्बार्गो लगाया हुआ है कि पैसे नहीं निकाल सकते. अब भैया इसमें इनके बाप के पैसे नहीं है, मेरी मेहनत के पैसे हैं, और ये इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, गाल गलौच नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि मुझ जैसे बहुत से और लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, जिनका अकाउंट्स क्लियर हैं, जिनके करोड़ों चोरी के पैसे नहीं हैं, जिनके हमारी तरह के लाखों में कुछ पैसे हैं, हजारों में कुछ पैसे हैं. आप ये देखिए कि ये जिल्लत आवाम के हाथ में वल्ला आलम UBL की तुफैल आई है, स्टेट बैंक की तुफैल आई है या गवर्नमेंट की तुफैल आई है. मैं ये चाहूंगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जो भी है जिसके भी जिम्मे ये लगता है, भाई शब्बर भाई आप ही कर दीजिए. आप तो सुना बड़े अच्छे आदमी हैं, आपसे हमारी मुलाकात भी है, शरीफ आदमी लगते हैं, तो ये काम ना करें कि अगर आपने आवाम की बदवा ले ली तो मारे जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, आपका भी अंजाम वही होगा जो पिछले दो का हुआ है. सो ये फजूल चीज है, ये बकवास चीज है. आई वेहमेंटली वेरी स्ट्रांगली कंडेम दिस नॉनसेंस बाय यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर नॉट अलाउिंग द पीपल टू विड्रॉ देयर ओन मनी. और आप ये जरा शर्म करें. मैं वही कहूंगा द फेमस वर्ड्स ऑफ ख्वाजा साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है जब सब चीज हमने की हुई है. हम चोर नहीं है, और जो चोर हैं सपोजिटली आपके कहने पे मुताबिक उनको खुली छूट है, वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, उनको याशियां भी हो रही हैं, उनके दिल गुर्दे भी जेल में खराब होते हैं, लेकिन वो ठीक हैं. तो भाई हमें भी ख्याल रखें, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने भी कुछ तो हमारा राइट है. हमारे टैक्स पे पलने वालों, हमारे पैसों पे याशी करने वालों, जरा डोंट एक्ट लाइक द सेम ओल्ड गैंग प्लीज. उन जैसे मत बनिए, आप जलील हो जाएंगे, आप भी जलील हो जाएंगे. वो भी यही समझते थे कि उन जैसा कोई नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं करेगा. और जो हालात चल रहे हैं तो वाकई मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि उनको कोई कुछ ना करे. सो अगेन यूनाइटेड बैंक लिमिटेड बोटिंग बेसिन ब्रांच के बाहर से मैं बात कर रहा हूं. दो हफ्ते पहले मैंने बायोमेट्रिक ओके कराया था. अगर मैं आपको बैंक के अंदर करज दिखा दूंगा तो काफी लोग पर्दा रखना भी चाहते हैं, मैं सबकी इज्जतें नहीं उछालना चाहता. ठीक, हम चिल्लाट मची है, शोर मचा रहे हैं, तो डोंट डू दिस. अदरवाइज मैं तो मांग तांग की गुजारा कर ही लूंगा, कुछ कर लूंगा, लेकिन परेशानी है, लोगों को देने होते हैं. आप हमारे पैसे रोक नहीं सकते. ये पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, आपके बाप का स्टेट बैंक नहीं है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड. मैं अब ये करने लगा हूं, मैं तो अपनी चेकबुक फाड़ के सारे पैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और मैं अब चेक वेक पे डील ही नहीं करूंगा. भैया ये तो बहुत गड़बड़ है. आपने वही किया है कि जो नवाज शरीफ को आप ब्लेम करते हैं कि उन्होंने डॉलर अकाउंट सीज किए थे, आपने तो हमारा रूपी अकाउंट सीज कर लिया है. I have seized my rupee account and you can go and shove it up your, you know, where the sun never shines. I am very sorry. I am very disappointed. Extremely disappointed. Make this video viral.
गिव इट टू देम, ऊपर आके सब बराबर हो जाते हैं।